झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पारा चढ़ता ही जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा का हॉट सीट माने जाने वाले राजधनवार में, और हम अभी मौजूद है कुछ लोगों से बात करते हैं कि राजधनवार हॉट सीट कैसे है और इनकी मंशा क्या है, किस मुद्दे पर ये वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार राय। जैसे आप 20 तारीख को धनवार विधान, आप जो 20 तारीख को वोट करने जाएंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? ये विकास पुरुष है धनवार विधानसभा के, जनता को एक बार बदलाव चाहिए। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, संघर्षशील हैं, परोपकारी भी हैं, और एक बार बदलाव हम लोग को चाहिए ही चाहिए। क्या बदलाव चाहिए आप लोग को? वर्तमान जो भी विधायक है, बाबूलाल जी है, निरंजन राय है, निजामुद्दीन अंसारी है, भाकपा मालिक राजकुमार यादव है, तो बाबूलाल जी जवाब देंगे 5 साल में विकास के लिए क्या किए हम लोग के राजधानी क्या किए, क्या विकास, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ऐसे बहुत ही रोड हो गया, सड़क हो गया, क्या किए, विकास क्या किए, जवाब दें। और उसमें से अपने संघर्ष से जो निरंजन भैया हैं, वो अपने संघर्ष से बहुत प्रकार काम किए हैं, बाकी प्रतिनिधि में आने के बाद वो बहुत सारा काम विकास का काम करेंगे, तो इनको चाहिए बदलाव। और कुछ लोग इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कसेरा है। आप तो शायद भाजपा से हैं लगता है, तो आपको कैसा लग रहा है कि भाजपा का इस बार क्या होने जा रहा है? होने जा रहा सत्ता चेंज होगा इस बार, भाजपा बहुत पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। कुछ लोग और इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सहदेवरा। जैसे आप वोट करने जाएंगे 20 तारीख को, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मुद्दा क्या है, हम लोग को बदलाव चाहिए। इनको बदलाव चाहिए और कुछ लोग इनसे। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। जैसे 20 तारीख को वोट करेंगे तो किस मुद्दे को वोट लेकर वोट करेंगे? हमको पहला जो वोट जो ये करेंगे ना, मुख्यमंत्री का वोट कर रहे हैं हम लोग, कोई विधायक का वोट नहीं कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री का वोट कर रहे हैं। पहला ऐसा जो हम लोग का मुख्यमंत्री है जो क्षेत्र में 5 साल काम किया, बिना मुख्यमंत्री रहे रांची, धनवार, गिरिडीह, जामताड़ा, सारठ, इतना 5 साल में इतना दौरा किया है और इतना काम किया है कि लोगों को दिखेगा विकास इस बार। जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को वोट कर रहे हैं, भाजपा ने तो मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा ही नहीं किया अभी तक। मुख्यमंत्री का घोषणा कैसे नहीं किया, आपको लगता है पता नहीं है? चार चार बार इसको घोषणा किया गया है, जेपी नड्डा आए, फिर शिवराज सिंह चौहान आए। इनको मुख्यमंत्री के लिए ही वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग इनसे जानते हैं। जैसे 20 तारीख को आप वोट करने जाएंगे, किन मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? बदलाव चाहिए और इनको बदलाव चाहिए। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमर मुस्ताद। जैसे 20 तारीख को वोट है, आपके सामने 4 उम्मीदवार हैं, निजामुद्दीन अंसारी है, आप जो वोट करेंगे, बाबूलाल जी है, राजकुमार जी है, निरंजन राय जी है, तो आप वोट करने जाएंगे तो क्या उम्मीद से आप वोट करेंगे और क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट करने का? हम लोग यही चाहते हैं कि राजधनवार का विकास हो, हम लोग यही चाहते हैं और बदलाव आना चाहिए, इसलिए 5 साल के अंदर में क्या बाबूलाल मरांडी राजधनवार के लिए किया है उन लोग सब क्षेत्र के लोग देख रहे हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव आवे और राजधनवार का विकास हो, तो इनको बदलाव चाहिए ताकि धनवार का विकास हो सके। हमारे साथ कुछ और लोग इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आप वोट करने जाएंगे 20 तारीख को, तो आपके दिल में क्या होगा कि किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा, जो विकास करता है उसी को वोट करेंगे हम। तो अभी वर्तमान में जो विधायक है या फिर बदलाव चाहते हैं या तो फिर जो है उसको दोबारा हम लोग रिपीट करेंगे? दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं, मोमेंट बनने पर डिपेंड पड़ता है उसमें, लेकिन विकास का ही वोट होगा। तो कुछ इन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो बताएंगे क्या होगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार। जैसे आप 20 तारीख को वोट करेंगे तो आपका सोच क्या रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, विकास के मामले पर वोट करना चाहिए। राजधनवार विधानसभा क्षेत्र अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की अभी भी कमी है, यही सब मुद्दा को लेके हमारे यहाँ तो देख चुके हैं कि सभी प्रतिनिधि सभी पार्टी का एक एक बार बन चुके हैं, लेकिन जिस अपेक्षा से यहाँ विकास होना चाहिए उस तरह का विकास यहाँ पे नहीं हुआ। अगर उम्मीद है कि बाबूलाल मरांडी को वोट होगा, लोग यहाँ तो करेंगे सपोर्ट ही,
लेकिन उनसे यही उम्मीद है कि जिस तरह का विकास होना चाहिए वो यहाँ करें, यहाँ के लोगों की यही उनसे अपेक्षा है। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कि वो यहाँ से जीते और यहाँ के लोगों का जो उम्मीद है वो पूरा करें, बस यही अपेक्षा है। तो इनको आज भी उम्मीद है कि बाबूलाल जी अच्छे करेंगे और मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद है। जैसे आप, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम कुमार विक्रम हुआ, लोग गणेश के नाम से जानते हैं। जैसे आपका चाय का दुकान है और चाय पर राजनीति हो और चाय पर चर्चा नहीं हो तो लोग यहाँ चर्चा करते नजर आते होंगे, तो क्या इस बार बदलाव चाहते हैं या दोहराएंगे इसको? लग तो आएगी दोहराएंगे, दोहराव करके बदलाव लाएंगे। आप किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? बस नौकरी नहीं बिके, लोगों स्थानीय अधिक प्राथमिकता दिया जाए, युवाओं को थोड़ा सा ये दिया जाए। हमारे साथ कुछ और लोग इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, मेरा नाम विजय कुमार अग्रवाल है। तो आप 20 तारीख को वोट करेंगे, किन मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? अभी तक आप विकास जो हुआ उससे आप कितना संतुष्ट हैं? गांव तीसरे में काफी विकास हुआ है और राज धनवार में भी विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और जो विकास छूटा हुआ हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं, ये इस बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज धनवार का चौमुखी विकास करेंगे। और हम लोग का डिमांड है कि यहाँ एक महिला कॉलेज नहीं है, तो महिला कॉलेज के लिए उनसे बात किए हैं और वो कहे हैं कि अगर जीतेंगे तो हम महिला कॉलेज यहाँ राज धनवार में बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद है कुछ और लोग, इनसे जानते हैं कि क्या नाम हुआ आपका? तो जैसे 20 तारीख को वोट है, इस मुद्दे को लेकर क्या सोच के आप वोट करेंगे? विकास चाहिए, विकास करेगा उसे वोट देंगे। तो अभी तक क्या 24 साल झारखंड हो गया है, इसमें कितना विकास हुआ आपका? विकास तो हो रहा है थोड़ा बहुत। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि आप 20 तारीख को वोट है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शंकर सुनकर। जैसे 20 तारीख को वोट है, किन मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? क्या चाहते हैं वोट? इस मुद्दे के लिए कर रहे हैं, विकास यहाँ हुआ नहीं, एम ऐसी पड़ल है, एकदम 10 बार टूटता है, कोई ध्यान देने वाला यहाँ नेता नहीं है, कोई कुछ और भी रोड वोड टूटा हुआ है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। हमको ऐसा नेता चाहिए जो कि यहाँ कुछ काम करे, काम पहले पैसा लुटाता है, कोई काम नहीं कर पाए। तो इनका कहना है कि बढ़िया नेता होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास करे। आज तक जो भी जीता है वो संपूर्ण विकास नहीं किया है। हमारे साथ कुछ और लोग इनसे जानते, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हरिहर साहब। हरिहर जी, हाँ, जो आप 20 तारीख को मतदान है, चार चार दिग्गज यहाँ पे उम्मीदवार बन के आए हैं, तो आप जो वोट करेंगे किन मुद्दों पर करेंगे? हम किन मुद्दे, हम लोग देखा है जो पुराना जो चेहरा है वो लोग कुछ काम यहाँ पे देखा ही नहीं है, ना राजधान में रहकर सफल दिखाता है। हम चाहता है जो कोई नया चेहरा पे आए और हमारा राजधान भर का कुछ प्रभाव काम करे, कुछ अच्छा काम करे, अच्छा सलामत दे, अच्छा ये कार्य ड्यूटी दे, यही सब है। और पुराना जो चेहरा है उसका कोई पकड़ ही नहीं दिखाता, तो वोट का टाइम आता है बस चल जाता है, पैसा लुटा। तो इनको चाहिए बदलाव, इनका कहना है कि अभी विकास हुआ नहीं, जो भी जीत के जाता है तो चेहरा भी नहीं दिखाता। हमारे साथ मौजूद है कुछ और लोग, जैसे 20 तारीख को मतदान है तो वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच के वोट करेंगे? मुद्दा हम लोग का यही रहेगा विकास हो, हम लोग के यहाँ काम नहीं कुछ होता है तो हो, हम लोग यही चाहेंगे नेताजी से। हमारे साथ मौजूद है कुछ और लोग, इनसे भी जानते हैं, क्या नाम हुआ? अच्छा, कृष्णा प्रसाद अग्रवाल। तो आप 20 तारीख को वोट है यहाँ पे, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, क्या सोच रहेगा आपका? मुद्दा तो वैसे प्रादेशिक है, अपने स्तर समाज का जो ये हमारा राज है, अपने राज को हम पहले देखते हैं, लेकिन मेरे राज्य के साथ केंद्र भी जुड़ा हुआ है, यहाँ के मजबूती से, चूंकि केंद्र भी मजबूत होता है तो मेरा मुद्दा तो केंद्र को मजबूत करे। तो इनका साफ कहना है कि जिनका केंद्र में सरकार है उनको ही वोट करेंगे। अभी हम मौजूद हैं धनवार विधानसभा के गोरथम्बा बाजार में, यहाँ की जनता से जानते हैं हम कि यहाँ का किस मुद्दे को लेकर यहाँ की जनता वोट करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है भैया आपका? आफताब अंसारी।
आप 10-20 तारीख को वोट करने जाएंगे, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? अढ़ाई साल में अहमद सरकार ने जो काम किया है, बहुत काम किया है, ऐसा बात नहीं, उसको अढ़ाई साल ही मिला है, ज़्यादा नहीं मिला है, क्योंकि 5 महीना वो जेल में रहा और 2 साल तो कोविड में निकल गया, उसको मौका मिला ही नहीं। हम चाहते हैं कि एक बार और 5 साल देखते हैं सरकार और अच्छा काम करेगा तो फिर उसी को देंगे, लेकिन जो भी किया बहुत किया। इनका कहना है कि हेमंत सरकार ने जो भी काम किया अच्छा किया है, एक मौका और मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अफजल अंसारी। 20 तारीख को वोट करने जाएंगे, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? इस मुद्दे पर लेकर करने जा रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। सबसे पहले कि गरीबों को बिजली का बिल माफ किया, मैया की जो योजना दिया 1000 रुपया करके, वो 4000-3000 करके उठा चुके हैं, तो चौथा किस घुसने वाले हैं, और यही सरकार रहने से अच्छा रहेगा, विकास रहेगा। देखिए, हम लोग को मुद्दा वोट करने का एक ही मुद्दा है। हम लोग जो झारखंड में जो सरकार अभी है वर्तमान में, वो हम लोग समझ में जहाँ तक आ रहा है बहुत अच्छा सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन ये सरकार चलाने का लायक है। इसका पहले जो थे रघुवर दास 5 साल रहे, वो 5 साल का तत्काल में एक भी विकास का दिखा दीजिए, कहीं रांची हो कहीं भी, मतलब पूरा झारखंड में विकास का काम किया, एक भी काम किया, बड़ा बड़ा काम किया करके दिखाया हो अगर रघुवर दास, तो मानेंगे कि बोलने बीजेपी का जो सरकार जो आई वो बढ़िया सरकार है। अब रहेगी बात बाबूलाल मरांडी जी का, धनवार में जो जीत के गए 5 साल का, 5 साल में जो जीत के चले गए, हम ही लोग जिताए, दूसरा कोई नहीं जिताया। वर्धमान में जैसे महबूलाल मरांडी को हम लोग जिताने का कारण था, उस टाइम में अपना पार्टी बनाए थे, उस समय में वो अपना पार्टी से जीत के चले गए, और इसलिए जिताए थे कि हम लोग को विकास चाहिए। हम लोग को विकास क्या चाहिए, किसी का घर थोड़ी चला देगा, हम लोग को रोड चाहिए, नली चाहिए, पानी चापाकल चाहिए, समझे, बिजली चाहिए, यही सब चाहिए। लेकिन 5 साल का करने काल में एक भी काम नहीं बाबूलाल मरांडी किए न दिखाए, करने के तो दूर का बात है लेकिन कभी दर्शन तक भी नहीं दिए। अब रह गई जो देखिए, हम लोग जो हेमंत सोरेन जो इसको निजामुद्दीन को जो टिकट दिए है कि 5 साल रहे, 5 साल रहे, 5 साल का दरमियान में देखिए अनुमंडल लाए, पावर प्लांट लाए, हर जगह सोलर प्लेट दिया, हर मंदिर में दिया, हर मस्जिद में दिया, समझे ना, रोड बनाए, ये विकास का काम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किए, और इसीलिए हम लोग गठबंधन का सरकार लानना चाह रहे हैं कि विकास हो। पब्लिक क्या चाहती, विकास चाहती, विकास का कहने के अनुसार हेमंत सरकार विकास कर रही है, विकास कर रही है, तो भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो उसका कहने से थोड़ी चलेगा, वो तो कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, तो उसका बोलने से थोड़ी कुछ होगा।